हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 9 गणित, वो भी हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी से। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर 8 को। तो ध्यान से देखिए, एकदम मजा आने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का भी हम लोग बनाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो आइए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणन खंडन कीजिए। आइए, 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab² दिख रहा है कुछ? दिमाग घुमाइए, बैक में जाइए, दिमाग घुमाइए, बैक में जाइए। देखिए सब उसी फॉर्म का है, a³ + b³ a³ - b³, यही पर नजर रहा है। आप लोग थोड़ा बताइएगा इसका a+b का होल क्यू क्या होता है। a³ + b³ + 3a² b + 3ab² ये, और a-b का होल क्यू का थोड़ा बताइएगा a³ - b³ - 3a² b + 3ab² यही ना है। देखिए a+b का होल क्यू, a³ + b³ + 3a² b, इसे याद होगा, प्लस 3ab² याद होगा। अब इसी फॉर्म में दिख रहा है, कहीं माइनस है कहीं प्लस है, अब सब में प्लस होगा तो a+b का होल क्यू पर जाएगा। तो आइए, तो हम लोगों को जो सवाल मिलता था 2a+b का होल क्यू, तो हम लोग इसको a+b का होल क्यू पर तोड़ करके इसमें बैठा करके इस रूप में या इस रूप में लाते थे। अब इस रूप को इस रूप में ले जाना है, क्या है ना आसान। आइए करते हैं, मजा आएगा। 8 का घनमूल क्या होता है थोड़ा बताएंगे आप लोग। 8 का 2 होता है, क्या होता है 2। हम लोग 2 का क्यू करते थे 8 लिखते थे, 3 का क्यू 27 लिखते थे ना। आइए, तो इसे हो जाएगा 2a का होल क्यू, यहां तो हम लिख सकते 2a का होल क्यू प्लस बी का होल क्यू। अब हमको मिल गया ए और बी, मिल गया हमको ए और बी, क्या मिल गया ए और बी। ए के मान हो गया 2a, ए के मान हो गया 2a और बी के मान हो गया बी। अब देखिए a³ + b³ और प्लस 3a² b, तो 3 × 3 × a² के जगह पे 2a² इंटू बी, बी के जगह पे बी ए हो जाएगा, और प्लस 3ab² 3ab² तो 3 × a, ए के जगह पे आपका हो जाएगा 2a × b² बी के जगह पे बी का स्क्वायर। आप प्रूफ कर लीजिए। आइए, 2 का क्यू करेंगे तो 8, बी का क्यू करेंगे तो बी क्यू, और 3 × 2² 4, 3 × 12 a² b आ गया, आ गया। 3 × 6 ab² 6ab² आ गया। तो ये किस फॉर्म में है भाई? ये हमको लग रहा है a³ + b³ + 3, और यहाँ इसको a माने हैं, इसको b माने हैं, तो a² b + 3ab² इस फॉर्म में है। इस तो किसका फॉर्मूला होता है, किसका? a+b के होल क्यू का, a+b के होल क्यू। तो इसके जगह पे, ये पूरा के जगह पे हम लोग का लिख सकते हैं a+b का होल क्यू, तो a के जगह पे 2a और प्लस बी के जगह पे बी, इसका होल क्यू। अब इसको हम 3 बार में लिख देंगे, 2a+b 2a+b और 2a+b इंटू में कोई दिक्कत? आइए दूर में नहीं, इसका भी तो वही भाई, यहाँ पर प्लस था वहां पे माइनस है, कहाँ है कुछ नहीं। आइए बैठाइए, 8 का 2a का होल क्यू माइनस बी का होल क्यू माइनस 3 × a² के जगह पे 2a² गुने बी के जगह पे बी का बी के बी प्लस 6 प्लस 3a² 3ab² 3 × a है ना, 3 × ab² आई प्लस में रहता है, ये प्लस में, ए के जगह पे हो गया 2a और बी के जगह पे हो गया बी, ये ना बी, इसको ए इसको बी मानेंगे। तो किसका फॉर्मूला है भाई? a³, अगर इसको ये मान दो इसको बी, माइनस b³ माइनस 3a² b लग रहा है, अब प्लस 3a यहाँ पे स्क्वायर ना भाई, अब बी स्क्वायर आ रहा था, किसका फॉर्मूला था? a-b के होल क्यू का होता है, क्या फॉर्मूला? सर्व समीकरण को दिखा देना है, तो इतना पूरा के जगह पर, ये पूरा के जगह पर हम लोग a-b का होल क्यू, मतलब a के जगह पे 2a - b का होल क्यू नहीं लिख सकते हैं, तो हो गया 2a - b 2a - b 2a - b, कहाँ भारी है रे भाई, इतना इजी क्वेश्चन नहीं बनेगा था, कहाँ बनेगा। 27 का कितना होता है? 27 का घनमूल 3 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 3 का होल क्यू माइनस 125 का 5, तो 5 और a का होल क्यू मिल गया हमको। ये भी
ए हो गया तीन, बी हो गया पांच, ए हो गया तीन क्योंकि दोनों पर क्यों है, क्या ए हो गया तीन बी। भारतीय भवन में थोड़ा अलर्ट पर दिया, पहले ही दूर दिया हुआ है तो उसमें थोड़ा समझ बात को, तो वहां लगता है सोचने में मजबूरी, लेकिन यहाँ कोई मजबूरी नहीं है, यहाँ डायरेक्ट ए बी। उसके बाद क्या होता है, ये माइनस में लगा हुआ है तो माइनस माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, तीन गुने ए स्क्वायर, एक के जगह पे तीन का स्क्वायर, अगुने बी, बी के जगह पे पांच है, प्रूफ करा देंगे, पढ़ा तीन ए तीन ए बी स्क्वायर, तीन गुने ए, एक के जगह पे हो जाएगा तीन, अब बी स्क्वायर, बी के जगह पे पांच ए का स्क्वायर। आइए सब प्रूफ कीजिए, इसको तीन का क्यूब सत्ताईस, पांच का क्यूब 125, तीन आज तीन का स्क्वायर नौ तो तीन नौ सत्ताईस और पच्चे 135, और इसमें खाली ए है ए, तीन तिहाई नौ और पांच पचे 25, 25 नम्मा कितना होता है 225 और ए स्क्वायर। इसके जगह हम लिख सकते हैं भाई ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस ये थ्री ए बी स्क्वायर, किसका सूत्र होता है ए माइनस बी के, ए माइनस बी के होल क्यू का, यही ना सर्व समीकरण यूज करना है। आइए डायरेक्ट हम लिख सकते इसको तीन माइनस पांच ए का होल क्यू, इसको तीन बार लिख दें, तीन माइनस सॉरी तीन माइनस पांच ए इंटू तीन माइनस पांच ए इंटू तीन माइनस पांच ए, ये हो गया, समझ में आया है ना सर। आइए चौसठ का, चौसठ क्या होगा चार, चार जगह सोलह, सोलह जगह चौसठ, तो आइए तो हो जाएगा आपका चार ए का होल क्यू माइनस सताइस का तीन बी का होल क्यू, क्योंकि बी ए है तो उसको लेके ना चलना पड़ेगा, अब ए हमको मिल गया बी मिल गया एकदम आसान, अरे गाय मिला कि नहीं मिला ए बी, ए बी। अब देखिए अब क्या होता है माइनस तीन गुने ए स्क्वायर बी, ए के जगह पे चार ए स्क्वायर और गुना बी के जगह पे तीन बी है ना, अरे होता है ना फॉर्मूला रे भाई, तीन ए स्क्वायर बी तीन बी ए बी स्क्वायर, रट जाओ बारह बजे रात में सुतल हो पूछे उठाएगा खाना खाएगा बोलना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, यही बोलना रट जाओ इतना कि हमेशा ये चीज वहां पे आ जाए, क्या आ जाइए अब आ जाओ, अब यहाँ पर आ जाए रात में सोने के वक्त नहीं खाने के वक्त नहीं, यहाँ सब खाने में लगाओ भाई, तीन गुने ए बी स्क्वायर ए के जगह पे क्या देना है चार ए गुने बी स्क्वायर जब निकाल तीन बी का स्क्वायर, तीन बी का स्क्वायर। आइए सॉल्व करें, देखिए इसके जगह पे हम इसको ए मानेंगे तो ए क्यू माइनस बी मानेंगे इसको बी क्यू माइनस तीन ए स्क्वायर बी तीन ए स्क्वायर बी प्लस तीन ए बी स्क्वायर, अब किसका फॉर्मूला था ए माइनस बी के होल क्यू का, ए माइनस बी के होल क्यू का। अब सुनिए ध्यान से प्रूफ कर लेते हैं इसको एक बार, तीन आई चार चुका सोलह, सोलह तिहाई अड़तालीस, अड़तालीस तिहाई एक सौ चौवालीस, और इसे गुणा करो तीन तिहाई नौ, आई चार चुका सोलह, सोलह नौ एक सौ चौवालीस, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बी, आ गया ना, इसी को ना तोड़ के हमने यहाँ लिखा है, अरे देखिए तो इसी को ना तोड़ के हम यहाँ लिखे हैं ये सब को ना। आइए अब देखिए इसको गुना कीजिए, तीन चौका बारह, बारह तीन का स्क्वायर नौ, बारह नौ एक सौ आठ, ए रह जाएगा बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आइए इस पूरा के जगह पे ए माइनस बी का होल क्यू होता है तो चार ए माइनस तीन बी का होल क्यू ना लिख सकते हैं, तो ये चार ए माइनस तीन बी इंटू चार ए माइनस तीन बी इंटू चार ए माइनस तीन बी, कहीं से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, मजा आ रहा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग कर लीजिएगा छोड़ दें पक्का, आइए विश्वास हो कि आप लोग कर रही होगी, तीन पी का होल क्यू सताइस का ही ना होगा तीन, अब माइनस एक का तो एक रहेगा, दो सौ सोलह का कितना होगा छः, दो सौ सोलह का कितना होगा छः, और कुछ नहीं है डायरेक्ट हॉल क्यू कीजिए, डायरेक्ट हॉल क्यू भाई, ये हो गया ए ये हो गया बी, हमको ये बी मिल गया ना, आइए थ्री ए स्क्वायर बी माइनस तीन ए स्क्वायर एक जगह पे तीन पी का स्क्वायर गुने बी, बी के जगह पे एक बटा छ प्लस तीन ए बी स्क्वायर, तीन ए बी स्क्वायर एक जगह पे तीन पी और बी स्क्वायर एक बटा छ का स्क्वायर, यहाँ से कोई दिक्कत, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए अब देखिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू अपन इसको प्रूफ कर लीजिए, तीन दुना छ नीचे दोबारा तीन दुना छ और तीन का स्क्वायर नौ, नौ बटा में यहाँ दो तो नौ बटा दो हो गया, इसी को हमने ये लिखा है इसी को ना, अब इसी को प्रूफ कर देख लेते हैं, लेकिन हम लोग ये फॉर्मूला पर चले गए, क्या ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, आइए अभी सुनिए, ये तो हो गया प्रूफ पी स्क्वायर कोई दिक्कत
और देखिए ये प्लस तीन दियाई नौ, तीन दियाई नौ आई चौक स्क्वायर छत्तीस, तो नौ चौक छत्तीस, चार बार में लुल गोल, एक बार अचार है यहाँ खाली क्या पी है, तो पी आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस तीन ए स्क्वायर बी और प्लस तीन ए बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल क्यू। इसी पर जाना आना है हमको, तो ए माइनस बी के ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए के जगह पे तीन पी और माइनस बी के जगह पे एक बटा छ, और ये चार को सवाल पांच को सवाल बनाने के बाद नहीं समझ में आएगा तो आपसे बड़ा मूर्ख बहुत होगा। चलिए अब देखिए, तो तीन पी माइनस एक बटा छ, तीन पी माइनस एक बटा छ और तीन पी माइनस एक बटा छ, कोई दिक्कत। चलिए तो इसको आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए कैसा लगा, अच्छा लगा तो क्या करना है, क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, तब तो क्या करते रहिए ना, अगला वीडियो का इंतजार करना है। इस वीडियो को दोबारा तिबारा रिवीजन कीजिए, एक बार में नहीं समझ आता दोबारा देखिए, तो भी नहीं समझ आता कमेंट करके बताइए, हम थोड़ा और विस्तारित में समझाएंगे, ठीक है, समय लगाएंगे आधा घंटा, लेकिन उसको समझा के छोड़ेंगे, सिखा के, सीखने का कोशिश कीजिए, रटने का नहीं, वीडियो देख लिए उतार लिए, उतारना नहीं है, ऐसा सीखिए कि किसी को सिखा सकें, कोई दूसरा आ जाएगा पूछने की सवाल बताओ, आप नाइन्थ पास कर जाएगा टेंथ में जाइएगा नहीं बता पाइएगा तो शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी, ऐसा सीखिए कि किसी को सिखा सके, यही थॉट लेकर पढ़ाई कीजिए अभी से, ठीक है, तो क्या करना है, अगले वीडियो का इंतजार करना है और पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।